Hello traders, welcome to Aliceblue. मैं हूं दीपेन गोगोई. आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल उसका पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज और क्रूड ऑयल क्या होने वाला है उसका ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे. तो ये देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल 4 आवर चार्ट और आज पिवट पॉइंट 4947 First resistance 4987, second resistance 5019, and third resistance 5059. First support 4915, second support 4875, and third support 4843. और ये देख सकते हैं daily chart crude oil continuously ये uptrend, right? जो जैसे पहले बात किया था ये crude oil continuously clearly uptrend दिखा रहा है. तो इसमें अभी जो रिट्रेसमेंट हो रहा है सो अगर हम वीकली में देखें तो वीकली आप देख सकते हैं एक बात क्या है वीकली में यहाँ पे वीकली देख सकते हैं यहां से जहां आप ट्रेंड प्लेस हुआ है ठीक है वहां से वीकली हायर हाई बना रहा है. नेक्स्ट जो रिट्रेसमेंट होता है राइट सो जैसे हायर हाई बनाया वीकली ये जो रिट्रेसमेंट होता है ये 20 मूविंग एवरेज रिट्रेसमेंट का काम कर रहा है ठीक है. फर्स्ट सेकंड इंपल्सिव वेव राइट दिस इज इंपल्सिव वेव एंड दिस वन इज करेक्टिव वेव. सो नेक्स्ट इंपल्सिव वेव जो करेक्टिव वेव आता है नीचे में तो उसमें सपोर्टिंग जोन कौन बना के रखा हुआ है यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज. नेक्स्ट हायर हाई हायर लो सपोर्टिंग बाय 20 मूविंग एवरेज. थर्ड हायर हाई higher low and next supporting by 20 moving average. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 four time ये fully strong supporting zone बना के रखा हुआ है इसमें right. तो ये region से फिर से market bounce back होने का chances है crude oil का right around 4953 में. तो अगर हम daily में देखें तो daily में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे just a minute या daily तो डेली क्या कर रहा है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको. हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं डेली तो वीकली जैसे 20 मूविंग एवरेज सपोर्टिंग जोन बना रहा है तो डेली 50 सपोर्टिंग जोन बना रहा है राइट. सपोर्ट 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 नेक्स्ट मेकिंग सपोर्ट राइट 1, 2, 3, 4 राइट लाइक दिस इज अ बिग strong supporting range by giving by 100 moving average right. So यहाँ से ज़्यादा probability है market ऊपर जाने के लिए. अगर आप long position के लिए buy करना चाहते हैं तो इसका नीचे थोड़ा नीचे इसका जैसे moving average ये है उसका नीचे आप stop loss लगा सकते हैं और यहाँ पे book profit previous high यहाँ तक आप ले सकते हैं. तो ratio मुझे लगता है 1:3 होगा राइट रेशियो 1:3 होगा तो लॉन्ग पोजीशन के लिए राइट. तो अभी देखेंगे हम छोटा टाइम फ्रेम में जैसे 4 आवर में. तो एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं मतलब ये सपोर्टिंग जोन जो देखा रहा है तो क्योंकि इसलिए हमें ये सेल ले लिया वहां तक जो सपोर्टिंग जोन है तो इसका नीचे मैं सेल नहीं जाता क्योंकि पहले प्रीवियसली ये सपोर्टिंग जोन बना के रखा हुआ है. तो 4 आवर में देखे तो 4 आवर में ये ज्यादा गलत कॉन्सेप्ट कहाँ होता है आदमी देखता है लोअर लो बना के रखा हुआ है ठीक है तो सोचता है यहाँ पे फिर से लोअर लो बनाएगा यहाँ पे राइट. तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड तो आता नहीं रहता है कंटिन्यूअसली तो जाएगा नहीं लेकिन कहाँ तक तो आता है एक नीचे में एक सपोर्टिंग रेंज रहता है राइट. यहाँ पे हम डेली में देखेंगे तो मूविंग एवरेज का एक 50 मूविंग एवरेज का एक सपोर्टिंग रेंज बना के रखा हुआ है तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर ही जाने वाला है लेकिन थोड़ा जो करेक्शन देता है करेक्शन का लास्ट सपोर्टिंग पॉइंट क्या है तो हमें अभी मिला 4952 जो ये 4952 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन है. तो यहाँ से हमें जो पहले लोअर लो बना के आ रहा है तो यहाँ पे परफेक्टली हम तो सेल में ही आएंगे राइट लोअर लो बना रहा है लेकिन लास्ट सेलिंग पॉइंट
लास्ट होगा यही एरिया जहां पे हमें वीकली और डेली एक सपोर्टिंग रेंज बना हुआ है, तो इसलिए यहां तक ही हमें सेल लेना चाहिए, राइट। तो अभी 4 आवर में देख सकते हैं ये लोअर लो बना रहा है, अभी ये मार्केट टोटली कंसोलिडेशन है, साइडवे मार्केट है। तो आप कंफर्म कर सकते हैं जब मार्केट, थोड़ा मैं इसको लार्ज कर लेता हूं, हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राइस टोटली कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पे आपको एक रेंज बना देता हूं मैं, यहाँ पे जैसे एक रेंज है, तो ये रेंज में ही आपको अभी रुकना है। जब ये रेंज ब्रेकआउट होगा, राइट, रेंज ब्रेकआउट होगा, ये आ जाएगा 200 मूविंग एवरेज और ये भी, तो यहाँ से फिर से एक बाउंस ब्रेक लेगा, ठीक है। कहाँ, ये जो रेजिस्टेंस सपोर्टिंग लाइन है, ये पहले रेजिस्टेंस है, राइट, अभी ये सपोर्टिंग रेंज है, ये यहाँ पे मैं थोड़ा कर देता हूँ, हाँ। तो जस्ट मिनट रेड कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस लाइन है, तो ये वापस आके क्या होगा, यहाँ पे एक सपोर्टिंग लाइन बनेगा, और फिर सपोर्टिंग लाइन बन के यहाँ से जो बुलिश कंफर्मेशन बनेगा, तो वहां से आप बाय जा सकता है, राइट। और अभी आप देखेंगे तो 4 आवर का हो गया, अभी हम देखेंगे तो 15 मिनट में क्या हो रहा है। तो 15 मिनट में भी आप देख सकते हैं प्राइस अभी, मतलब जहां आप देख सकते हैं ये 200 मूविंग एवरेज और पूरा 150 मूविंग एवरेज पूरा क्लोज हो गया आगे, यहां पे देख सकते हैं पूरा वो नेरो हो गया ये रीजन में आके। तो एक्चुअली ये कब होता है, जब मार्केट ट्रेंड चेंज होना होता है, ठीक है। तो हम प्रीवियस अगर देखें तो प्रीवियस में आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होना होता है तो तब क्लोज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अप ट्रेंड था, जब ये पूरा एक ही साथ में क्या हो गया, ये साथ में क्लोज आ गया, तो क्या हुआ, तो तब से ये 15 मिनट में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, राइट, यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया ये रीजन से। तो एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हुआ था, आपको प्राइस फुल्ली क्लोज हो गया तो बाद में अप ट्रेंड लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें वो सिग्नल मिला जो यहाँ पे देखा मैंने यहाँ पे, तो ये भी सिग्नल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड था पहले, तो 15 मिनट में लोअर लो बनाया, उसका बाद हायर हाई, पहले जो लोअर था उसको ब्रेकआउट कर नहीं पाया, यहाँ से फिर से ऊपर गया, जो हायर था उसको ब्रेकआउट नहीं किया, तो नीचे लो बनाया, लोअर हाई बनाया, ठीक है। तो एक ट्रायंगल शेप हो गया यहाँ पे आके, ट्रायंगल शेप फॉर्म हो रहा है, तो बाद में एक रेजिस्टेंस लाइन इसमें फॉर्म कर रहा है। तो ये जब ब्रेकआउट होगा, जो रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, एक रेजिस्टेंस लाइन अराउंड 4970 के आसपास, अगर उसको तोड़ दिया तो मुझे लगता है मार्केट ऊपर चला जाएगा, राइट। तो अगर हम 5 मिनट में भी इसका कंफर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट टोटली साइडवे है। तो साइडवे क्यों बोला जाता है यहाँ पे, तो एक बात आपको देखना पड़ेगा, जब ये जो मैंने दिया 20 मूविंग एवरेज, राइट, ये 20 मूविंग एवरेज से ये वाला, ठीक है, 20 मूविंग एवरेज जब 100 या 200 मूविंग एवरेज को बार बार ये क्रॉस करता रहेगा, तो मतलब उसका मतलब ये प्राइस ये साइडवे है। तो ये थोड़ा रिस्की होता है एंट्री करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे एंट्री करेंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा, तो देखेंगे इसको लोअर ब्रेकआउट किया तो सेल करेंगे, तो मार्केट फिर से ऊपर होता, तो मार्केट ऐसा होता है। तो जब ऐसा फॉर्म होता है तो उसके लिए आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए, राइट। तो आपको कैसे एंट्री करना पड़ेगा, तो आप जाइए 15 मिनट में और एक रेंज निकाल लिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक सपोर्टिंग जो हायर कनेक्टेड पॉइंट, जैसे हायर कनेक्टेड 1 2 3 4 5 6 7 टाइम कनेक्ट किया था, ठीक है। तो एक लोअर रेंज भी निकाल लेता हूँ, ये रेंज को ब्रेकआउट करेगा, और ये जो होता है आपका थोड़ा इसका ऊपर, आपको बाय कहाँ करना है, आपको देखिए ये जो रेंज का आसपास है, ये थोड़ा ऊपर गया था, इसको बोलते हैं बफर जोन, तो इसको आप ब्रेकआउट करने दीजिए। तो इसका ब्रेकआउट करेंगे तो अगर यहाँ पे ऊपर मार्केट कैंडल फॉर्म हो गया ओपन एंड क्लोज, राइट, तो यहाँ से आप बाय में जा सकता है, ठीक है, बाय में जा सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।